नमस्कार INA न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजलि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के जिला चिकित्सालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्नाव जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में तैनात डॉक्टर तुषार चौरसिया ने ऑपरेशन के नाम पर एक मरीज से 17,000 रुपए लिए। आज हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष बिमल द्विवेदी ने जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एडिशनल CMO हरिनंदन प्रसाद और सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं बीते दिनों वार्ड नंबर 1 में खाने के नाम पर 50-50 रुपए वसूले गए हैं, जिसमें आरोपित 22 CMS संजीव कुमार को ही खुद की जांच सौंप दी गई थी। हालांकि अभी तक इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की जाएंगी, वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं पर उन्नाव का स्वास्थ्य महकमा सरकार को ही पलीता लगा रहा है। पद उन्नाव से संवाददाता विवेक दुबे की रिपोर्ट। रामनाथ, क्या मामला? धरने क्यों बैठे हो? डॉक्टर तुषार जो है हमारा ऑपरेशन करने के लिए पैसे जो है हमसे मांगे थे 25,000 नहीं दे पाए, 14,000 में तय हुए थे, 14,000 जमा कर दिए थे। फिर बोले अगले बृहस्पति को आपका जो है ऑपरेशन कर देंगे। जब अगला बृहस्पति आने से पहले नेक्स्ट दिन हमसे बोले कि जो है आप और 10,000 रुपये हमको दीजिए तो ऑपरेशन करूँगा, नहीं तो आप जाके कहीं दूसरी जगह ऑपरेशन करा लीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। जब मैंने 14,000 रुपये जमा किए, हमने कहा सर वो क्या हमारे 14,000 रुपये वापस करेंगे, तो उन्होंने हमें 3,000 रुपये गूगल पे से ट्रांसफ़र कर दिए थे हमारे अकाउंट में। बोले और जो है जितने दिनों से इलाज चल रहा था उसमें पैसे आपके कट गए,